गाइस कैसे आप सब लोग। आज वापस से खेलने वाले कार फॉर ट्रेड, और आज अपना कार फॉर ट्रेड में तीसरा दिन है। और वैसे भाई मैं जब दूसरे दिन इस गेम को खेल रहा था तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि मैं दो कार परचेस करके लाया था कार मार्केट से, लेकिन इस कार को कस्टमर कम प्राइस में परचेस कर रहे थे, और कम मतलब इतना प्राइस जितने में मैंने परचेस की उससे भी नीचे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर मैंने बोला मेरे को किसी को बेचना ही नहीं। और वैसे भाई यहाँ पे अपन वापस से वो दोनों कार लगा दिए सेलिंग पे, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कार को बेचना ही पड़ेगा, तब जाके मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा, फिर उससे नई कार परचेस कर सकता हूँ। तो मैं कुछ भी कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके ये कार बेच दूँ। और वैसे भाई यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए, एक एक करके सबसे बात करते हैं, जिसका प्राइस एकदम हाई लगे उसको अपन ये बेच देंगे। तो भी अपन ये अंकल से बात करते हैं, कितने में परचेस करने चाह रहे हो? 3482 में। देखो मैंने इस कार को परचेस किया है 4500 में, ये परचेस करने आया 3482। तू क्या पागल है क्या, बापड़ा है क्या साला? आ जाते हैं, पैसे हैं नहीं, आ जाते हैं खरीदने के लिए पागल लोग। चलो छोड़ो यार, अभी इससे बात करते हैं। परचेस करेगा 5397 का इस पहला कस्टमर आया, चूंकि ऑलमोस्ट मेरे प्राइस में परचेस करना चाह रहा है। एक काम करता हूँ, उससे बार्गेन करके बोलता हूँ 5400 में परचेस कर ले, तेरी ना मेरी 5400 डन कर देता हूँ। आई एम सेटिस्फाई। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे एक कस्टमर सेटिस्फाई हो गया मेरे प्राइस से और उसने कार परचेस कर ली। चलो बढ़िया, जो कार बिक नहीं रही थी वो फाइनली बिक गई। बस यहाँ पे एक और कार बची जिसको अपने को बेचना है, लेकिन यहाँ पे अपन दो कस्टमर को बेच ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों ग्लिच हो चुके हैं। इनको पता है मेरे को ग्लिच से हटाने के लिए ये कार को वापस से सही तरीके से पार करना पड़ेगा, और अगर मेरे को इसको पार करना है तो उसको सेलिंग से हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं सेलिंग से नहीं हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की कार परचेस करने को आ रही है। तो भी अपन इससे बात करते हैं, कितने में परचेस करेगी? 5214। बढ़िया है भाई, इतने में बेच दूंगा मैं। एक काम करता हूँ, तू भी बार्गेन करने की कोशिश करता हूँ, 5400 बोलता हूँ। 5400 मना करेगी तो 5300 बोल दूंगा। 5400 बता। हाँ ना, हाँ, आई एम सेटिस्फाइड। अरे भाई क्या किस्मत है, दूसरे दिन मैं परेशान हो गया था, कोई 5000 में भी खरीदने को तैयार नहीं था, और आज 5400 में भी परचेज कर ली। चलो बढ़िया गाइस, आज किस्मत अच्छी थी तो दोनों कार अपनी बिक गई। और वैसे हाँ भाई, मैं आपको बताना भूल गया कि आज 12 बजे ना ऑक्शन हाउस खुल चुका होगा। तो भी अपन एक काम करते हैं, भाग के चलते हैं ऑक्शन हाउस में, और वहाँ पे देखते हैं भाई बोली लगाएंगे एकदम खतरनाक वाली। तो फटाफट से चलते हैं ऑक्शन हाउस में। और वैसे अच्छा, मैं बस स्टेशन से नहीं जा सकता क्या ऑक्शन हाउस में? अबे यार फिर मतलब ही क्या है, मेरे को भाग के जाना पड़ेगा। वैसे भाई पास में ही है तो मैं भाग के जा सकता हूँ। चलो ठीक है, अपन गाइस फटाफट से भाग के जाते हैं ऑक्शन हाउस में, और वहाँ पे देखते हैं भाई कौन कौन सी कार बोली में लगी है। और वैसे गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बजने आ चुकी है, और मुझे सामने दिख रहा है ऑक्शन हाउस में सारी कार बाहर आ चुकी है और उसमें बोली भी लग चुकी है। तो भाई मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता ऑक्शन हाउस में जाने का, अभी अपन सीधे बस स्टेशन में चलते हैं। यार भाई मैंने सोचा था मैं ऑक्शन हाउस से एकदम अच्छी सी कार परचेस करके आऊँगा, लेकिन नहीं यार मैं लेट हो गया। मैं अगर सही टाइम पे बेच देता ना कार्स को, मेरी वो दो वाली कार को अगर मैं सही टाइम पे बेच देता ना, तो मैं यहाँ पे आके परचेस कर पाता। लेकिन वही दिक्कत आ रही थी, कोई कस्टमर मेरे प्राइस में खरीदना ही नहीं चाह रहा था, बहुत मुश्किल से तो उनने खरीदी है। चलो कोई नहीं, अभी अपन सीधे चलते बस स्टेशन पर, और बस स्टेशन से जाते अपन सीधे अपने रेसिडेंट एरिया में, क्योंकि मुझे पक्का पता है कार मार्केट तो खुला नहीं होगा, और मैं अब कार मार्केट से खरीदने भी नहीं वाला, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दो कार परचेस करी भाई, बहुत मुश्किल से बेची, कोई कस्टमर परचेस ही नहीं करना चाह रहा था मेरे प्राइस में। इसलिए अब मैं कार मार्केट से नहीं लाऊंगा, मैं रेसिडेंट एरिया से ही लाऊंगा। तो अपन यहाँ पे रेसिडेंट एरिया में आ चुके हैं। ऑब्वियस भाई यहाँ पे बहुत सारी नई नई तरीके की कार आई है, और एक तो ब्लू वाली है जो कि बहुत ज़्यादा ठुकी हुई है, लेकिन मैं तो भी इसको परचेस करूंगा, क्योंकि अगर ये ठुकी हुई ये ना तो मैं इसको रिपेयर करा सकता हूँ। अगर ये मेरे को 3000 या 4000 में देगा तो मैं इसको परचेस कर लूंगा और 1000 रिपेयरिंग में लगा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे भी कार 6000 में आती आती है। तो भी अपन इससे बात करते कितने में बेच रहा है, 3814 बस सही प्राइस है, लेकिन तू भी अपन 3.5 बोलते हैं, इसको 3.5 में बेच देगा तो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, 3 बोलते हैं एक बार, इसको 3 में तो मना ही कर देगा मेरे हिसाब से। हाँ 3 में मना ही कर दिया, लेकिन मेरे को इससे वापस से बात करनी है, 3.5 में कर सकता हूँ। अरे यार मेरे को बार्गेन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा वापस से। भाई देखो, एक बार मैंने उसको बार्गेन कर लिया तो दूसरी बार नहीं कर सकता। चलो छोड़ो, वैसे भी ये कार मेरे को पसंद आई नहीं थी, तो भी अपन दूसरी कार एक्सप्लोर करते हैं। और वैसे भाई ये भी बहुत टूटी फूटी कार है, हर जगह से टूटी फूटी कार है यार ये। चलो कोई नहीं, अभी बात करते हैं इससे कितने में बेच रहा है। अगर 3 में बेचेगा तो मैं खरीद लूँगा 5520। तू ही खरीद ले इस कार को। हाँ नहीं तो क्या, मतलब उसी की कार है लेकिन तू ही चला ले।
एक तो भाई टूटी फूटी कार को 5.5 में बेच रहे हैं। उस भाई ये कार तो एकदम डेवलप कार लग रही है, ये महंगी बेचेगी 56,000। अरे दादा मेरी इतनी हैसियत नहीं है, अभी जब हो जाएगी तब आऊँगा मैं। और वैसे कहते मैं आगे वाली जगह छोड़ के पीछे आ गया हूँ, क्योंकि भाई आगे वाली जगह पे तो मेरे को एक भी कार नहीं जम रही थी, इसलिए मैं इधर आ चुका हूँ। वैसे भाई इधर मैं जैसे ही आया यहाँ पे एक ऑटो दिखा है मेरे को, और ये इलेक्ट्रिक है क्या? क्यों इलेक्ट्रिक है क्या आंटी? नहीं नहीं भाई ये इलेक्ट्रिक नहीं है। वैसे भाई इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, 3,915 में दे रही है, तो अपन इसको बोलते हैं 3,500 में दे दे। अगर ये 3,500 में दे देगी ना तो अपन इसको परचेस कर लेंगे, आई एम सेटिस्फाई। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपन ने कार नहीं, अपन ने ऑटो परचेस कर लिया है। भाई गजब काम किया आज अपने, ऑटो परचेस कर लिया है और क्या ही लग रहा है। तो मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? कि इसको मेरे को लेके जाना पड़ेगा भाई, इसको लेके जाना पड़ेगा अपने को। चलो कोई नहीं, इसको अपन ने यहाँ पे परचेस कर लिया, अभी इसको यहाँ पे रखे रहने देते, और कार देख लेते। अपन ने एक ऑटो परचेस कर लिया, अब अपन एक कार परचेस कर लेते हैं। और वैसे भाई ये कार तो एकदम नैनो जैसी कार लग रही है, बात करता हूँ खरीद सकता हूँ क्या मैं? 5,525। अरे यार ये नैनो जैसी कार का मैं 5,520 क्यों दूंगा भाई? मैं बड़ी कार का 5,525 नहीं देता, ये नैनो का मैं 5,525 दूँ। अरे भाई गजब कर रहे हो। वैसे भाई यहाँ पे सामने मेरे को एक बड़ी कार दिख तो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ठुकी भी है। मेरे को लग रहा है ये कम प्राइस में दे देगी। दे देगी क्या कम प्राइस में? 3 लाख? अरे भाई 34 लाख! अरे गजब यार साला, ये मेरे को लगा कम प्राइस में दे देगी, भाई 34 लाख बोल रही है वो। चलो छोड़ो यार भाई, अपन तो अब आगे चलते हैं। वैसे भाई ये भी मारुति सुजुकी जैसी कार लग रही है, क्योंकि पूरी टूटी फूटी है, कोई नहीं रिपेयर करवा लेंगे। अगर तू 3,350 में देगी तो 7, यार भाई 7,000 में बेच रही है। भाई देखो तो सही तुम्हारी कार की हालत क्या है, उस हिसाब से बेचो ना। एकदम हाई प्राइस रख के कौन खरीदने वाला है? मैं तो खरीदूंगा ही नहीं अगर तुम इतना प्राइस रखोगे। मैं एक ऑटो लेके चले आऊँगा, लेकिन वो कार परचेस नहीं करूँगा। वैसे भाई ये कार थोड़ी डेवलप लग रही है, हाँ ये ठुकी वुकी कम है, तो ये अगर मेरे को 8 में भी देगा तो मैं परचेस कर लूँगा। और वैसे भाई 6,069 में दे रहा है कार। देखो ये सेम टू सेम कार सामने की साइड है, लेकिन सामने पूरी ठुकी हुई है, और वो ठुकी हुई 7,500 में दे रही है, और ये 1% भी ठुकी हुई नहीं है, लेकिन ये 6,000 में दे रहा है। भाई गजब यार, एक की ठुकी है लेकिन वो कम प्राइस, ज़्यादा प्राइस में दे रहा है। एक की नई ठुकी है लेकिन वो कम प्राइस में दे रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो कोई नहीं, तो भी अपन इससे कम प्राइस करवाने की कोशिश करते हैं। इससे मैं बोलता हूँ 5,800 में दे दे, देगा 5,800 में? चलो कोई नहीं गाइस, वो मेरे ऑफर से सेटिस्फाई नहीं था, तो मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको 6,500 दे के मैंने ये वाली कार परचेस कर ली। चलो बढ़िया, तो गाइस यहाँ पे अपन ने 2 कार परचेस कर ली है, तो अभी अपने को इस कार को सीधे लेके चलना है अपने कार के शोरूम, और फिर वापस से अपने को इधर आना है, और अपने ऑटो को भी लेके जाना है। भाई अपन ने ऑटो भी परचेस किया है ना, तो ऑटो को भी लेके जाना पड़ेगा। और वैसे भाई मैं तो सोच रहा हूँ मैं ऑटो को बेचूँ नहीं, मैं ऑटो चलाऊँ, ऐसे पब्लिक को बिठा के उनको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूंगा। भाई ऐसे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही जाएगा। नहीं यार भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ऑटो दूंगा, क्योंकि भाई ऑटो से ना अच्छा खासा पैसा मिलता है। मैंने सुना था कि ऑटो की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो भी अपन इसको सेलिंग पे लगाएंगे ना अपने ऑटो को, तो अच्छा खासा प्राइस में पब्लिक परचेस कर लेगी। और वैसे भाई मैं यहाँ पे सीधे चले जा रहा हूँ, चले आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जैसे मेरे को रास्ता याद नहीं है। बाकी हाँ मैं शायद तक इधर ही लास्ट टाइम मुड़ा था, तो यही रास्ते से चलते हैं यार। आना आना तो है ही, क्योंकि एक ही मैप है। वैसे भाई रात हो गई रे, सुबह करो। वैसे भाई मैं चलती कार पे से उतर के, और वैसे कार टूक गई। भाई यार मैं गलत ही काम करा मैंने, मैं चलती कार पे से उतर गया भाई सोने के चक्कर में। चलो कोई नहीं, वैसे भाई मेरे को बस यही उम्मीद है कि मेरी कार ज़्यादा ठुकी नहीं हो। अगर ठुकी होगी ना तो मुझे रिपेयर करवानी पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें एक भी डेंट नहीं थे इसलिए परचेस करी थी। वैसे भाई ठुक गई ना? नहीं भाई इतनी भी नहीं ठुकी। चलो कोई नहीं, तो भाई अपन इसको लेके चलते। वैसे एक सेकेंड में सो जाता हूँ। और राइट गैस, तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह, तो फटाफट से बैठ जाते हैं अपन अपनी कार के अंदर। और वैसे भाई बैठने दो यार, क्या भाई मेरे को मेरी कार के अंदर नहीं बैठने दे रहे? अच्छा हाँ इधर से बैठ सकता हूँ। ओके पीछे ले लेते हैं अपन आराम से, ठीक है। तो अब अपन भाई आराम से कार चलाएंगे, और चलती कार में नहीं उतरना है बस अपने को। हाँ भाई चलती कार में उतर के वो तो अच्छा है, एकदम भीड़ ही नहीं घर के अंदर। अगर भीड़ जाती ना तो ये कार को भी अपने को रिपेयर करवाने पड़ जाता। मैंने भाई एक्स्ट्रा पैसे दे के इसको सही तरीके से खरीदा है, मैं बिल्कुल भी रिपेयरिंग का खर्चा नहीं लगाना चाहता था। और वैसे खास मैं यहाँ पे अपने शोरूम में इस कार को लेके आ चुका हूँ, बस अपने को यहाँ पे करना है साइड में पार्क, ताकि मैं इसको बेच सकूँ। और वैसे भाई रुको पीछे लेता हूँ, अपने को सेलिंग वाली जहाँ अपन कार को बेच सकते हैं वहाँ पे अपने को उसको पार्क करना है, ताकि कस्टमर इजीली इसको परचेस कर पाए।
अपन सही तरीके से कर देते हैं इसको पार्क डन। तो कैसे यहाँ पे अपने इसको सही तरीके से कर दिया पार्क। अब फटाफट से वापस से चलते हैं अपने रेसिडेंट एरिया में, क्योंकि भाई अभी अपने को ऑटो भी लेके आना है। ऑटो भी अपना वहीं पे रखा हुआ है, बस वहाँ पे कोई चोरी नहीं कर ले। वैसे तो यहाँ पे चोरी वोरी कम से कम ही होती है, लेकिन तो भी भाई डर तो है ही। तो फटाफट से चलते रेसिडेंट एरिया में और वो वाला ऑटो लेके आते हैं। वैसे भाई ऑटो की स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, अगर मैं उसको ट्रांसफर कर पाता ना तो मज़ा ही आ जाता कि भाई ऑटो 20 या 30 की स्पीड में चलेगा। उसको यहाँ से सीधे शोरूम तक लेके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई मेरा शोरूम बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन फिर वही बात है ना कि मेरे पास ट्रांसफ़र के लिए जो पैसा लगता है वो ख़त्म हो चुका है, एक भी रुपया नहीं बचा है ट्रांसफ़र वाला, इसलिए मैं कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। चलो कोई नहीं, अभी अपन ऑटो को ऐसे ही लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ अपने ऑटो को लेके अपने कार के शोरूम में। और वैसे भाई ये ऑटो की स्पीड में सोच रहा था 20-30 हाईएस्ट होगी, लेकिन भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हायर है, ये तो एकदम बढ़िया निकला। मैं तो इसको फालतू में बेकार समझ रहा था। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे अपन कर देते पार्क अपने ऑटो को। वैसे भाई सही तरीके से करना है तो कस्टमर ग्लिच हो जाएंगे। चलो बढ़िया, तो यहाँ पे अपन ने सही तरीके से कर दिया अपना ऑटो भी पार्क। अब इन दोनों चीजों को अपन लगाते थे सेलिंग पे, एक अपने ऑटो एक अपनी कार। वैसे भाई ऑटो कितने में परचेस किया था मैंने वो भी एक बार चेक करना है। मैंने ऑटो परचेस किया था 3,500 में ना, तो भी अपन इसका प्राइस रखेंगे 5,000 रखेंगे इसका प्राइस। डन सेल। तो गाइस मैंने यहाँ पे सेल पे लगा दी अपनी ऑटो 5,000 में। और वैसे ये अपन ने जो दूसरी कार परचेस की थी ये परचेस करी थी 6,069 में, तो अपन इसको बेचेंगे 7,000 में। डन।